श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, हम आज एक ऐसे भक्त की, ऐसे संत की कथा को श्रवण करेंगे जिसने माता दुर्गा को भी अपना शिष्य बना लिया। माता दुर्गा उनकी शिष्य बनकर बड़ी प्रसन्न हुई। हमारे भारत भूमि में, हमारे देश में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने माता दुर्गा को भी अपना शिष्या बना लिया। उनका नाम है श्री हरि व्यास देव जी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। भक्तजनो, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि खेचरी नर की राघो जी खेचरी नर की शिष्य निबट अचरज यह आवे। राघो जी विदित बात संसार संत मुख की रति गावे। राघो जी बैरागिन के वृंद रहत संग श्याम सने। राघो जी जो यो जोगेश्वर मध्य मनो शोभित वैदे। राघो जी श्री भट्ट चरण रज परस ते सकल सृष्टि जाको नई। राघो जी हरि व्यास तेज हरि भजन बल देवी को दीक्षा गई। हरि व्यास तेज हरि भजन बल देवी को दीक्षा गई। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री हरि व्यास जी ने भगवत भजन के तेज और बल से देवी को भी मंत्रों यानी मंत्रोपदेश दिया, यानी कि दीक्षा दी, मंत्र दीक्षा दी। अपनी दिव्य गति से आकाश में विचरण करने वाली देवी मनुष्यों की शिष्या बनी। यह सुनकर नितांत ही आश्चर्य होता है, किंतु यह सत्य है। सारे संसार में यह बात प्रसिद्ध है एवं संत जन श्री मुख से श्री हरि व्यास देवाचार्य की इस कृति का गान करते हैं। परम स्नेही श्री सर्वेश्वर भगवान का डोला एवं संसार से वैराग्य पूर्वक भगवान श्री श्याम सुंदर के श्री चरण कमलों में अनुराग करने वाले विरक्त महात्माओं का समूह सदा ही आपके साथ बना रहता था। विरक्तों के बीच में आपकी ऐसी शोभा होती थी जैसे नौ योगेश्वरों के बीच में श्री विदेह राज जनक शोभा पाते थे। जनक राज के राज्य सभा में निरंतर विद्वान लोग आते थे। एक समय नौ योगेश्वर आए, उनसे शास्त्रार्थ हुआ था। अपने सद्गुरुदेव श्री भट्ट देवाचार्य के श्री चरण कमल के स्पर्श के प्रताप से श्री हरि व्यास देवाचार्य के सम्मुख समस्त सृष्टि के लोग सिर झुकाते थे। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि निम्बार्क संप्रदाय में
परम वैष्णव आचार्य श्री हरि व्यास देव जी बहुत ऊंचे संत हो गए थे, यानी कि उस समय इनकी ख्याति पूरे विश्व में फैल रही थी। इतने ये बड़े महान संत थे, इनके साथ हजारों हजारों संत लोग रहते थे। इनका जन्म गौड़ ब्राह्मण कुल में हुआ था और इनके जो गुरुजी थे वो श्री भट्ट जी थे, उन्हीं से इन्होंने दीक्षा ली थी और गुरुदेव की कृपा से ये इतने बड़े संत बने थे। श्री भट्ट जी के आज्ञा अनुसार आपने युगल शतक पर संस्कृत में भाष्य लिखा, ये ही सर्वप्रथम उत्तर भारतीय संप्रदायाचार्य हैं। स्वामी जी इस संप्रदाय में उस शाखा के प्रवर्तक हैं जिसे रसिक संप्रदाय कहते हैं। श्री हरि व्यास देव जी का इतना प्रभाव हुआ कि श्री निम्बार्क संप्रदाय की इस शाखा के संतों को तब से लोग हरि व्यास जी संप्रदाय कहने लगे। एक बार श्री हरि व्यास देव जी साथ में संतों की जमात यानी बहुत सारे संतों को लेकर के तीर्थ यात्रा करते करते एक स्थान पर पहुंचे, जिस स्थान का नाम था चटथावल। वह एक गांव था, उसमें जा पहुंचे। जब वहां वे गए तो उन्होंने देखा कि बड़ा सुंदर एक वहां पर बागीचा है, उसमें बहुत सुंदर फूल खिले हुए हैं, फलों के अनेकों वृक्ष फलों से लदे हुए हैं और वहां पर एक देवी का मंदिर भी है। वे लोग तीर्थ यात्रा करके थोड़ा परिश्रम भी हो गया था, सोचने लगे चलो अब आज यहीं पर डेरा डालते हैं। सब लोग वहां जल की भी बड़ी सुंदर व्यवस्था थी, बड़ा सुंदर जल था वहां पर और बहुत सुंदर बगीचा भी था, देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। सब लोग उसी बाग में उतर गए, सब ने अपने अपने भगवान जी को वहां पर बिठाया, स्नान इत्यादि करा, भगवान का पूजन किया और सत्संग किया। फिर सबको भूख भी लग गई थी, सोचने लगे कि अब भोजन बनाया जाए। अब हुआ क्या कि देखते हैं उस बाग में देवी का मंदिर है और जो देवी के कुछ भक्त हैं तो वो वहां पर बहुत सारे लोग आए और एक बकरी को लेकर के भी आए। संत लोग भजन कीर्तन कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ लोग वहां पर आए और उन्होंने देवी की पूजा की और वहां पर एक बकरी की उन्होंने यानी कि एक बकरे की उन लोगों ने वहां पर बलि दे दी। अब संत समाज तो इतना दुखी हो गया, उस बकरे की बलि को देख करके इतने दुखी हो गए कि उनकी भूख प्यास जाती रही, बड़े व्याकुल हो गए। अब सोचने लगे रात भी होने वाली है, अब दूसरी जगह जाएं तो कैसे जाएं, चलो अब कोई बात नहीं यहीं भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, जैसे तैसे आज रात यहीं पर रुक करके भजन कीर्तन करते हुए रात बिताते हैं, कल सुबह प्रातः काल फिर कहीं दूसरी जगह जाएंगे, क्योंकि यह गांव संतों के रहने लायक नहीं है, यहाँ तो जीवों की हत्या होती है और ये देवी मैया भी ऐसी हैं कि इनके सामने एक बकरे की बलि दे दी गई, देवी मैया ने इन अपराधियों को दंड भी नहीं दिया। जब संत जन इस प्रकार से सोचते रहे और बड़े दुखी हो रहे थे, बार बार उस बकरी यानी कि बकरे की बलि को देखकर उनका दिल दुखी हो रहा था, तब धीरे धीरे रात हो गई। संत लोग भूखे ही बैठे हुए थे और भजन कीर्तन कर रहे थे, उनकी भक्ति का भगवान के सत्संग का प्रभाव इतना बढ़ गया कि देवी माता से वह सहन नहीं हो रहा था, उनकी शक्ति
नष्ट होती जा रही थी, उनका तेज नष्ट हो गया। अतः देवी भगवान के भक्त के तेज से एकदम अभिभूत हो गई। उन्होंने घबराकर तुरंत शरीर एक नया शरीर धारण किया और जाकर उन संतों के दर्शन किया और अत्यंत विनम्रता पूर्वक बोली, आप लोग रसोई बनाइए, भोजन कीजिए, आप भूखे क्यों बैठे हैं? संतों ने उत्तर दिया, अब रसोई कौन करे, पहले करने का विचार तो था परंतु यहाँ की स्थिति देखकर मन की और ही दशा हो गई है, मन बड़ा दुखी हो गया है, अब हम क्या करें, कैसे भोजन करें? देवी ने कहा, जिसके निमित्त से आप लोगों की ऐसी खिन्नता हुई है, आपको इतना दुख प्राप्त हुआ है, वह देवी मैं ही हूँ। आज मैंने भक्ति का तेज देखा, अतः अब कृपा करके मुझे भी भक्ति का दान दीजिए और अपनी शिष्या बना लीजिए। देवी माता ने कहा कि मैं भक्ति के प्रभाव को नहीं जानती थी, हे संत महात्माओं, आप अब मैं भी आपकी तरह भक्ति करना चाहती हूँ, भजन करना चाहती हूँ और आप मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए। देवी की प्रार्थना सुनकर श्री हरि व्यास देवाचार्य जी ने उन्हें अपना शिष्या बना लिया और उनको मंत्र उपदेश करा दिया। मंत्र का ज्ञान प्राप्त होकर मंत्र सुन करके देवी मैया उसके बाद तुरंत ही उस गांव में गई जहां उस गांव का मुखिया रहता था। देवी जी ने अत्यंत शीघ्रता पूर्वक नगर को दौड़ती हुई चली गई और वहां जाकर जो उस नगर का मुखिया था उसको खाट समेत भूमि पर पटक दिया। तत्पश्चात उसकी छाती पर चढ़कर सूक्ष्म रूप से उसकी यानी छोटा सा रूप बनाया और उसकी जिह्वा पर बैठकर उससे ही कहलवा दिया। उसके मुख से कहने लगी कि मैं तो श्री हरि व्यास देवाचार्य की शिष्या बन गई हूँ। ऐसा देवी मैया उसके मुंह से कहलवा दिया, तुम लोग भी शीघ्र उनका शिष्यत्व ग्रहण करो, यानी सब लोग उनके शिष्य बन जाओ, आज से कोई बलि नहीं करेगा। यदि तुम लोग उनका शिष्यत्व नहीं स्वीकार करोगे यानी उनके शिष्य नहीं बनोगे तो मैं अभी अभी सबको मार डालूंगी। देवी की ऐसी बात सुनकर, देवी का ऐसा उग्र आदेश सुनकर वे परम हिंसक भी डरकर सबके सब आकर उनके शिष्य बन गए, यानी कि श्री हरि व्यास देव जी के शिष्य बन गए और उन्होंने क्रूरता छोड़ दी। ऐसे संत लोग होते हैं जिनकी कृपा से जो क्रूर स्वभाव के लोग होते हैं वे भी संत बन जाते हैं। संतों का कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए, संतों की हो सके तो सेवा करनी चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। संत कैसे होते हैं उनके बारे में ठीक ठीक कोई नहीं जान सकता। भगवान भी कहते हैं कि मैं संतों के पीछे पीछे रहता हूँ, जहाँ जहाँ संत जाते हैं और वहाँ जाता हूँ। उधो मोहे संत लगे अति प्यारे, उधो मोहे संत लगे अति प्यारे, उधो मोहे संत लगे अति प्यारे। ऐसा भगवान उधो जी को कहते हैं कि हे उधो, मुझे संत बड़े प्यारे हैं। भक्त जनो, अब इस कथा को यहीं पर विराम देते हुए भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ कल आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।